हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्ले की राखी, जो मैंने पार्ट वन ऑलरेडी मेरी चैनल पे अपलोड किया है। ये पार्ट टू है, तो पार्ट वन में क्ले से जो हम पैंडल बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं और उसको कैसे सुखाना है, वो सब मैंने डिटेल्स वाइज वो वीडियो में डाला है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर से चेकआउट करिएगा। अभी हम जो भाई और भाभी की कपल राखी है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें सारे पैंडल अलग अलग से कर लेने हैं, जो भाई भाभी के अलग अलग मैंने बनाए हैं, और उसमें इस तरह से हमें धागा लगा लेना है। धागे की एंड पे मैंने लगाया है फेविकोल, जिससे कि धागा का जो एंड है वो टाइट हो जाए और इसमें हम आसानी से हमारे मोती डाल सकें। तो इसी तरह से हमें तीन कपल राखी रेडी करनी है। तो ये तीसरा है जो स्क्वायर में है। तो सारी कपड़ राखी को इस तरह से धागे से सिक्योर कर लेंगे, उसके बाद हम उसमें मोती डालेंगे। तो इस तरह से अगर आप फेविकोल से सिक्योर कर लेते हो साइड की किनारी, तो आपको इसमें ना सुई धागा सुई डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसी से आपका काम चल जाएगा और आसानी से आप जो मोती है उसको इसमें डाल सकेंगे बहुत ईजी से, और अच्छे से बन जाएगी आपकी राखी। तो इसमें हम मन चाहे मोती डाल के अलग अलग स्टाइल की बना लेंगे राखियाँ। वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए सारी राखी को बना के देख लेते हैं। एक तरफ से इस तरह से सिक्योर कर लेना है, उसके बाद दूसरी तरफ भी सेम मोती हमें डालने हैं धागे में। और जो भाभी की राखी है उसमें हमें लटकन भी डालना है। तो लटकन में हम एक जंप रिंग ऐड करेंगे और उसमें थोड़ा सा एक मोती डाल देंगे, जिससे कि ये लटकन बन जाए। और जो साइड पे जो धागा है उसमें सेम जो भाई की राखी बनाई है उसके जो मोती डाले हैं उसी सेम मोती को इसमें डालना है। तो रेडी है भाभी की हमारी राखी। तो भाई भाभी की राखी इस तरह से हम सारी राखियाँ बना लेंगे। तो आप देख सकते हो जंपरिंग डालने से इसका अच्छा लुक आता है।